हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था बैकग्राउंड इमेजेस को लेके किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी सेट करना है। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम बात करते हैं कि यदि मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लेके आनी है लेकिन मुझे उसमें स्क्रॉल के कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करना है, या फिर हम ये बात करते हैं कि सर मुझे कंप्लीट बैकग्राउंड की इमेज लेके नहीं आनी है, मेरे बैकग्राउंड में एक कंटेनर है और मुझे उस कंटेनर पे इमेजेस के इफेक्ट्स को शो करना है। ओके, तो चलिए दोनों बातें यहां पर हम देखते हैं किस तरीके से हम बैकग्राउंड में अटैचमेंट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो लेट्स सी, यहां पर हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट इमेज बैकग्राउंड के नाम से, टेस्ट इमेज बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और यहां पर कुछ बेसिक टैग्स को सबसे पहले हम ले लेते हैं, तो एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारे टैग्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आई विल जस्ट कॉपी दिस, और फिर हम हमारे रिक्वायरमेंट के डेटा को रखेंगे और बाकी को डिलीट कर देंगे, राइट। तो यहां से मैंने इसको हटाया, दिस इज डिलीटेड एंड दिस वन इज अगेन डिलीटेड, स्टाइल को हमने पूरा खाली कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने स्टाइल को कंप्लीटली ब्लैंक कर दिया है, लेट्स सी। तो यहां पर अब आप देखिए, यदि मान लो मैं अब दिस वन, राइट, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे अपने बैकग्राउंड में एक इमेज लेके आनी है और उसमें अटैचमेंट का मीनिंग क्या है। ओके, तो यहां पर हम बॉडी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मतलब अपन यहां पर एक स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं बॉडी के लिए। तो यहां पर हमने बॉडी टैग में सबसे पहले बता दिया बैकग्राउंड कलर मुझे क्या रखना है, तो मैंने इसको लाइट कलर ले लिया। उसके बाद मुझे इसमें लानी है बैकग्राउंड इमेज। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें बैकग्राउंड इमेज, हमने लास्ट टाइम भी लाया था यूआरएल के थ्रू, तो मैं सेम इमेज लेता हूं, यहां पे यूआरएल में हमने लिख दिया दिस इज dog1.jpg, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी एक प्रॉपर्टी देखी थी रिपीट, तो मैंने रिपीट प्रॉपर्टी को कर दिया सपोज नो रिपीट, ठीक है, मुझे रिपीट नहीं करना है और ये बैकग्राउंड मुझे लेके आना है बैकग्राउंड सॉरी पोजिशन जो मुझे चाहिए वो हमने कर दी इसकी लेफ्ट, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको देखता हूं तो ये बैकग्राउंड में मुझे कुछ इमेज इस तरीके से लेफ्ट साइड में दिख रही है, राइट। लेकिन अब यहां पर अगर सपोज करिए मैं इसमें कुछ टेक्स्ट रखता हूं ना, मैंने सपोज एक डिवीजन टैग ले लिया एंड डिवीजन टैग में हमने यहां पर डिवीजन / डिवीजन और यहां पर मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है। लेकिन उसके पहले मैं यहां पर एक h1 प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हूं, ठीक है, अपन इसको h1 में ले लेंगे, नॉट टू वरी। वो इसलिए आपको रीजन मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने यहां पर फॉन्ट साइज रखा मान लो 35 या 40 और फॉन्ट स्टाइल हमने रख दिया सपोज सॉरी फॉन्ट फैमिली हमने ले ली यहां पे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और दैट्स इट। ओके, और अब मैं इसको बजाय डिवीजन में रखने के मैं इसको h1 के साथ यूज करता हूं ताकि मुझे ये चाहिए कि मेरा जो टेक्स्ट है उसके साथ मुझे कुछ स्क्रॉल भी मिले। तो ये टेक्स्ट हम लेके आ जाते हैं सपोज, ओके आई डोंट हैव द टेक्स्ट राइट नाउ, तो हम इसको डेटा फ्लेयर के ब्लॉक से ले लेते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट हैं हमारे पास यहाँ पे, देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, तो मैं ऐसे पाइथन का कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये टेक्स्ट ले लिया और मैं उसी को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट लिया सपोज दिस वन एंड अगेन दिस वन एंड अगेन दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया मल्टीपल टाइम। रीजन इज दैट मुझे आपको ये बताना है कि किस तरीके से आपको एक्चुअली टेक्स्ट के साथ, ये देखिए आप अभी भी स्क्रॉल नहीं आ रहा है, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं एंड जस्ट रिपीट दिस, मैं इसी टेक्स्ट को रिपीट कर लेता हूं क्योंकि एग्जैक्टली आई वांट दैट कि मुझे इस पर एक स्क्रॉल मिल जाए। ओके, वन मोर रिपीटेशन रिक्वायर्ड, तो हम इसको यहां पे फिर रिपीट कर लेते हैं। ओके, सो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो सी दिस वन, लेकिन क्या हो रहा है जब मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा इमेज को मैं काम करते हैं टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं, तो इस इमेज की पोजीशन मैंने दे दी यहाँ पे लेफ्ट की जगह लेफ्ट टॉप, ठीक है, मतलब हमने इसको कर दिया लेफ्ट टॉप, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे सो यू विल फाइंड दिस इमेज, ये देखिए आप लेफ्ट टॉप पे। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करिए, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो स्क्रॉल के साथ इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। अब इसको किसी भी पोजिशन पर रख दें, राइट, मान लो अगर मैं इसको टॉप की बजाय सेंटर पे भी रखता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसको सेंटर पे भी रख दिया सेंटर सेंटर, तब भी सेम इफेक्ट मुझे दिखेगा कि अगर ये सेंटर है तब भी इमेज स्क्रॉल हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सर मुझे टेक्स्ट के साथ इमेज को स्क्रॉल नहीं करना है, मैं कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ाता हूं यहां पे, मुझे जो टेक्स्ट है उसके साथ, ये मेरा डमी टेक्स्ट है, ओके,
मुझे टेक्स्ट के साथ इमेज को रोटेट नहीं करना है, आई वॉन्ट दिस इमेज फिक्स्ड, ओके। तो यहां पर देन वी हैव टू गो विद द प्रॉपर्टी कॉल्ड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना। यहां पर हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इस बैकग्राउंड अटैचमेंट की दो वैल्यूज है हमारे पास, वन इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज स्क्रॉल, राइट। तो यदि मैं इसकी प्रॉपर्टी को फिक्स्ड कर देता हूं, इफ इट इज फिक्स्ड, तो लेट्स सी द इफेक्ट। ये देखिए, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरा इमेज वहीं रहेगा, इट इज ओनली टेक्स्ट विच इज रोटेट। जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन इमेज जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। अब आप इसको किसी भी पोजीशन पे रख दे चाहे, ये सेंटर की बजाय अगर मैंने इसको बोल दिया सपोज राइट टॉप, ठीक है, यदि ये राइट टॉप पर है तब भी मुझे यही इफेक्ट देखेगा, सीरीज में मैं टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा हूं बट इमेज इज फिक्स्ड, ठीक। सिमिलरली यदि मैं इसको बॉटम पे भी रख देता हूं, सपोज मैंने इसको बोल दिया बॉटम लेफ्ट, सो दैट द सेम इफेक्ट आई विल गेट, ये देखिए। Okay, so this is how you can set the background attachment property. कि आप किस तरीके से अपनी इमेज को बैकग्राउंड में fixed attach कर सकते हैं। और ये repeat और no repeat का तो concept हमने देखा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको repeat कर देंगे तो फिर ये meaningless हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आपके पूरे पेज पे ही images आपको दिख रही हैं, तो उसका कोई meaning ही नहीं रहेगा। लेकिन हम बात इसकी करेंगे जब हमारे पास no repeat है, we don't want to repeat the image and this image is in somewhere in the fixed position, कि मुझे फिक्स पोजीशन पे इस इमेज को चेंज नहीं करना है, सो दैट वी विल गो फॉर सच टाइप ऑफ इफेक्ट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेजेस को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो ये कि सर मुझे अब मैं इसको चेंज करता हूं, एक्चुअली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, लेकिन मुझे अब एक्चुअली आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखाना है कि यहां पर मुझे सबसे पहले चाहिए, देखिए अब मैं इसको ले लेता हूं टेस्ट इमेज बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट इमेज बॉक्स 1.html। तो यहां पर अब देखिए आप, सपोज यहां पर मैं अब आपको जो इफेक्ट दिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर मैंने html लिया /html लिया, देन आई विल टेक दिस बॉडी टैग, ओके बॉडी /body, के पहले हमने यहां पर ले लिया हेड टैग, ठीक है, /head, एंड देन टाइटल, टाइटल में आपने ले लिया /title, ठीक है। और यहां पर मैंने लिया है सपोज, अब मेरे को इमेज बॉक्स पे लेके आनी है, सी द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको, बॉक्स इमेज डेमो, ठीक, कि मेरे पास अब एक कंटेनर है सपोज, और उस कंटेनर पे मुझे इमेज लेके आनी है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम कंटेनर कैसे डिजाइन करेंगे, राइट। तो मैंने सबसे पहले यहां पर बॉडी टैग में ये थॉट लिया कि हमें कंटेनर बनाना है, ओके। तो यहां पर मैंने क्लास डिफाइन कर दी सपोज कंटेनर के नाम से, ठीक है, सॉरी दिस इज स्टाइल एंड स्लैश स्टाइल, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर के लिए स्टाइल डिफाइन की, तो हमने क्लास बना ली, सॉरी आईडी बना लिया मैंने, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में मुझे जो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैंने इसकी विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइन की कि मुझे कंटेनर की विड्थ क्या रखना है, ठीक है। तो विड्थ सपोज मैंने कर दी इसकी 600 pixels, ठीक है, और सिमिलरली हमने इसकी हाइट कर दी सपोज 500 pixels। और इस कंटेनर पे अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैंने बॉर्डर बता दी कि बॉर्डर को मुझे सपोज 4 pixels में चाहिए, ठीक है, और इसको मुझे कलर भी चाहिए, तो हमें बॉर्डर का कलर हमने चेंज कर दिया, या आपने बॉर्डर की विड्थ बता दी, इफ यू कैन सेट, तो आप तीनों चीजें एक साथ भी देख सकते हैं, इफ यू कैन डिफाइन दिस, तो मैंने बॉर्डर का कलर ये बता दिया कि बॉर्डर मुझे चाहिए सॉलिड, या इसको हम ले सकते हैं डबल, ठीक है, और इसका कलर मुझे चाहिए सपोज रेड, ठीक। तो ये मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दी, और उसके बाद यहां पर अब आप देखिए, अगर मैं अभी इसको देखता हूं कंटेनर को, ठीक है, तो हमने यहां पर एक डिवीजन टैग लिया, और इस डिवीजन टैग पे हम इस कंटेनर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहां भी कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो ये मैं अपने अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी से टेक्स्ट को ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास है यहां पे काफी, तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे मैं डिवीजन में ये कुछ टेक्स्ट लेके आया हूं, और अब मैंने इस डिवीजन पे अप्लाई किया है। चलिए अभी अपन डिवीजन पे टेक्स्ट नहीं लाते हैं केवल, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एकदम। यहां पर मैंने आईडी को डिफाइन कर दिया, आईडी मैंने ले दिया कंटेनर, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा कि हम जो बात कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉडी को भी डिफाइन करना है तो आप यहां पे बॉडी को लेके भी डिफाइन कर सकते हैं, कि मैंने ये बोल दिया बहुत बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे कुछ लाइट रखना है, ठीक है, तो आपका जो बॉडी कलर है वो भी आपको इफेक्ट दिखेगा। ये देखिए आप, ये एक बॉक्स जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे,
लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डिफरेंट लेते हैं बॉर्डर कि हमने विड्थ बता दी यहाँ पे, बस बॉर्डर विड्थ मुझे, सॉरी बॉर्डर कलर क्या रखना है, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया बॉर्डर कलर मुझे रखना है रेड, और उसके बाद मैंने बता दिया बॉर्डर की मुझे स्टाइल क्या रखना है, ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल मैंने कर दी यहाँ पे सपोज डबल, ठीक है, और बॉर्डर की कलर हमने ले लिया, स्टाइल हमने ले ली, ओके, सो लेट्स सी, अब मैं इसका इफेक्ट अगर देखूंगा तो ये बॉर्डर मुझे कुछ इस तरीके से लुक एंड फील दे रही है, लेकिन अब इस बॉर्डर, इस बॉक्स में, इस कंटेनर पे मुझे लानी है एक इमेज, तो यहां पर भी हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज बैकग्राउंड इमेज, अब इस बैकग्राउंड इमेज को मैं यहां पर लेके आता हूं यूआरएल से, ठीक है, आप इसको यूआरएल से अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, सपोज इट इज अगेन dog1.jpg, ठीक है, dog1.jpg, ये मैंने अपने बैकग्राउंड पे एक इमेज लाया, लेकिन केवल बॉक्स में, स्पेसिफिकली बॉक्स में हम इमेज को लेके आ रहे हैं, अब देखिए ये बॉक्स, अभी जो इसमें इमेज आपको दिख रही है, दिस इज द बॉक्स इमेज, और यदि मैं यहां पर अगर मान लो इस डिवीजन में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, सो सी दिस, अब आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये केवल इस बॉक्स में दिख रहा है, नॉट इन द कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ द योर पेज, राइट, और अब इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपको इसमें, सी यहां पर हमारे पास देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यदि मुझे बैकग्राउंड को यहां भी रिपीट नहीं करना है, आई विल जस्ट गो फॉर बैकग्राउंड रिपीट में मैंने लिख दिया नो रिपीट, ठीक है, तो ये जो मतलब कहने का ये है ओवरऑल कि या तो आप बैकग्राउंड ले ले आपके पूरे पेज का, या फिर आप एक पर्टिकुलर कंटेनर को भी यूज कर सकते हैं फॉर सच काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, राइट, तो यहां पर आप देखिए ये बैकग्राउंड इमेज अगर मेरी आ गई है, राइट, अगर इस बैकग्राउंड को, जैसा अभी हमने देखा था यहाँ पे कि मैं बैकग्राउंड को, अरे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि हम बैकग्राउंड के लिए पोजीशन सेट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर भी बैकग्राउंड में पोजीशन सेट कर सकता हूं, राइट, मैंने अगर बोल दिया पोजीशन इक्वल टू सेंटर, राइट, तो लेट्स सी, ये देखिए आप, लेकिन अब जो इफेक्ट आपको दिख रहा है इसमें और इसमें, आप देखिए दोनों एप्लीकेशन में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, यहां पर जो बात हो रही थी वो बॉडी के बैकग्राउंड की हो रही थी, और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल एक बॉक्स के बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, और इसमें भी आपके पास ये चॉइस है कि आप ये जो इमेज ला रहे हैं अगर आपको उसको साइज डिफरेंट करना है, आप देखिए बैकग्राउंड हाइफन साइज की, मान लो मैंने यहां लिख दिया बैकग्राउंड साइज, ठीक है, अब इस बैकग्राउंड साइज में आप देखिए, सपोज मैंने यहां पर साइज दे दी सपोज पिक्सल्स में, विड्थ और हाइट अगर मैंने पिक्सल्स में दे दी कि मान लो दिस इज 300 पिक्सल्स और ये है 300 पिक्सल्स, तो ये मैं बात कर रहा हूं अपने बैकग्राउंड पे जो इमेज आएगी, ठीक है, उसकी, ये देखिए सी दिस वन, ये 3 ये पिक्सल्स में आपकी इमेज चेंज हो गई है, इवन दो अगर आप अपने टोटल बॉक्स का परसेंटेज चाह रहे हैं कि आपने बोल दिया कि सर मुझे 30% में अपनी इमेज चाहिए, सो दैट यू कैन गेट इमेज इज इन 30% ऑफ द टोटल बॉक्स साइज, करेक्ट, और इसमें भी फिर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको इसको पूरे इसमें कवर करना है तो आप देखिए ये पूरी इमेज आपकी कवर हो गई है, ये पूरे बॉक्स में आपकी इमेज कवर हो गई है, इवन दो यू हैव एन ऑप्शन कॉल कंटेनर कंटेंट सॉरी, तो ये इमेज आपको, ये देखिए आप कुछ इस तरीके से इमेज आपको कंटेंट होके मिलेगी, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू सेट द इमेज इन अ बॉक्स, कि आप अगर एक पूरे बैकग्राउंड पे इमेज नहीं लाना चाह रहे हैं तो यू कैन सेट द इमेज इन ओनली अ कंटेनर, तो दो मेजर ऑप्शंस की मैंने आपको आज यहां पे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं कि यदि आप किसी इमेज को ला रहे हैं अपने बैकग्राउंड में, जो अभी हमने देखा, राइट, कि ये मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था कि यदि आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे इमेज ला रहे हैं और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के रोटेट होने पर आपकी इमेज रोटेट ना हो, यू डोंट वांट टू रोटेट द इमेज इफ योर टेक्स्ट इज रोटेट, सो दैट वी विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट, जिसका कोड हमने ये देखा अभी कि आपको केवल एक मेजर प्रॉपर्टी यहां पर ध्यान रखनी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट, सो दैट यू कैन, और ये तो मैंने क्या टेक्स्ट लिया था, ओके, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि यदि आपको पूरे बैकग्राउंड पे इमेज लाने की बजाय आपको केवल एक कंटेनर पे इमेज लेके आनी है, सो दैट वी विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट, कि आप अपना एक कंटेनर डिफाइन कर दें, ठीक है, उस कंटेनर की विड्थ हाइट आप डिफाइन कर दें, इस पर अगर आप चाहते हैं तो पैडिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपने कर दिया मान लो पैडिंग इज 20 पिक्सल्स, ठीक है, तो आपको पैडिंग के इफेक्ट्स भी शो हो जाएंगे, आप देखिए ये जो स्पेस आ रही है समथिंग लाइक दिस, मतलब पैडिंग आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो टोटल बॉक्स की साइज है, मान लो मैंने कर दिया 50 पिक्सल्स, तो ये देखिए आप ये पैडिंग लेफ्ट और राइट अप बॉटम दोनों से बढ़ रही है, मैंने आपको बताया है, अगर आपको केवल एक्स एक्सिस से पैडिंग चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो सी दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सेट द इमेज
इन द बॉक्स इवन द बैकग्राउंड. और आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि यदि आप अपने पेज पे लुक एंड फील प्रॉपर चाह रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दिस प्रॉपर्टीज. आपको इन सारी प्रॉपर्टी को टेक केयर करना पड़ेगा. किस तरीके से हम इमेजेस को यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, कंटेनर में, राइट. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है. और यदि समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी जहां बाकी है. ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर.